कभी कभी जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि हमारी डार्क साइड देख के कोई हमें प्यार नहीं करेगा, पर असल आशिक तो वही है जो सारी हदें पार करता सब भुला के बस अपना प्यार एक्सेप्ट कर ले। मूवी की शुरुआत एक छोटी बच्ची नीका से होती है जो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रही थी, तभी उन्हें एक वुल्फ नजर आता है। नीका वुल्फ को देख के डरने लगी थी, पर उसकी माँ कहती है कि वुल्फ्स लोगों को सिर्फ इसलिए बुरे लगते हैं क्योंकि उन्हें फेरी टेल्स में विलन दिखाया जाता है, जबकि असल में वैसे नहीं होते। नीका के पिता का वुल्फ को देखने की वजह से ध्यान रोड से हटता है, तो इस वजह से उन लोगों का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नीका रोड पे बेहोश पड़ी नजर आती है, जहां वुल्फ उसके पास आता है पर उसे कुछ किए बगैर वहां से निकल जाता है। इस एक्सीडेंट में नीका अपने पेरेंट्स को खो देती है और उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो अपनी माँ की याद के तौर पर सिर्फ उनका बटरफ्लाई वाला नेकलेस लिए एक नई शुरुआत के लिए ऑर्फनेज की तरफ बढ़ती है, जहाँ पीछे हमें नीका की आवाज से पता चलता है कि बच्चे इस ऑर्फनेज को ग्रेव कहते हैं। यहाँ बहुत सारी बेड साइड स्टोरी सुनाई जाती हैं, जिनमें सबसे ज्यादा जिक्र टीयर्स स्मिथ यानी अशकों के कारीगर का होता है, क्योंकि यहाँ रोना अलाउ नहीं। बच्चों को अपने आंसू और दर्द अपने अंदर छुपा के किसी लाश की तरह यहाँ रहना होता है। अशकों के कारीगर के आंसू निकलते ही मोती में बदल जाते हैं, इसीलिए लोग वापस जिंदा महसूस करने के लिए उसके पास जाते हैं, जहाँ अशकों का कारीगर अपनी मोती उन्हें देख कर वापस रोने में मदद करता है। फिर वो आंसू दुख, दर्द, गुस्से या खुशी के हों, वो बस निकल आते हैं। नीका का कहना था कि उसने कभी नहीं सोचा था वो ऐसी किसी कहानी का हिस्सा बनेगी। इसी के साथ वो ग्रेव की हेड मार्गरेट और बाकी बच्चों तक पहुंच जाती है, जहां मार्गरेट उसे उसकी माँ का नेकलेस उतारने का कहती है क्योंकि यहाँ कोई पर्सनल चीज अलाउ नहीं थी। वो अपने फेवरेट बच्चे रीगल से नेकलेस उतारने का कहती है, जो रीगल नीका से छीन के वहां से ले जाता है। नीका की एडलाइन नामी लड़की से दोस्ती हो जाती है और ऐसे ही वक्त के साथ साथ वो बड़ी होकर टीनेजर में बदल जाती है, जहां फाइनली उसका सपना पूरा होता है और उसे एक कपल अडॉप्ट कर लेता है। नीका एडलाइन को बाय करती वहां से निकलती है, तो बस यही सोच रही थी कि कैसे इस ग्रेव में उसने इतना मुश्किल वक्त गुजारा, इस उम्मीद के साथ कि कोई उसे जैसी वो है वैसे ही कबूल करता, अपने परिवार का हिस्सा बना ले। पर उसके हाथ सिर्फ मायूसी लगी, लेकिन अब आखिर उसका सपना सच हो रहा है और वो इस जहन्नुम से निकल के प्यार करने वाली परिवार का हिस्सा बनने लगी है। इससे पहले वो वहां से निकलती, उसके अडॉप्टेड पेरेंट्स एना और नॉर्मन को पियानो की आवाज सुनाई देती है और वो दोनों वहीं रुक जाते हैं। पियानो रीगल बजा रहा था, जो ग्रेव की शान है, जिसे सब प्यार करते हैं और वो यहाँ का चमकता सितारा है, लेकिन नीका को वो बिल्कुल पसंद नहीं। एना और नॉर्मन को रीगल पसंद आ जाता है और वो ट्रायल पीरियड के लिए नीका और रीगल दोनों को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं, जहां रास्ते में नीका सोच रही थी कि उसका सपना पूरा तो हो रहा है, पर अपने नए घर में अगर वो किसी को अपने साथ नहीं देखना चाहती तो वो रीगल है। उसके इतने नापसंद होने के बावजूद भी आज तक नीका उससे नफरत नहीं कर सकी। नेक्स्ट सीन में ये दोनों अपने नए घर पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि एना और नॉर्मन के बेटे की मौत हो गई और वो पियानो बजाता था, शायद इसीलिए वो दोनों रीगल से इतना कनेक्ट कर पा रहे थे। रीगल अपने रूम में जाता है तो उसका सरदर्द शुरू हो जाता है, जिसके लिए वो कोई दवाई लेता है, जिसके बाद एक बॉक्स निकाल के ड्रॉअर में रखता है। तभी वहां नीका आ जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी अडॉप्शन में कोई भी मसला हो, इसलिए वो रीगल को वार्न करने आई थी, जिस पर रीगल उसे कहता है कि अगर वो उससे दूर रहेगी तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा, जिसके बाद दरवाजा उसके मुंह पे बंद कर देता है। रात डिनर पे नॉर्मन इन दोनों से ऑर्फनेज में इनके रिश्ते का पूछता है, जिस पर नीका कहती है कि ये दोनों बहन भाई की तरह साथ बड़े हुए हैं, जो सुन के रीगल उसकी टांग पे हाथ रखते हुए टॉन्टिंग वे में उसकी बात रिपीट करता है, जिस पर नीका अनकंफर्टेबल हुई उठ के वॉशरूम चली जाती है, जहां वो सोचती है कि वो अब भी रीगल की छुअन को महसूस कर पा रही है, जैसे वो उसी का हिस्सा हो। रीगल की जहरीली कशिश ने नीका के अंदर घर कर लिया है, जिसकी वजह वो खुद भी समझ नहीं पा रही। तभी पीछे से रीगल वहां आ जाता है, जिस पे नीका गुस्सा होने लगती है। रीगल उसे कहता है कि उसका दिखावा ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। जिस दिन एना और नॉर्मन को पता चल गया कि सब उतना परफेक्ट नहीं जितना वो दिखा रही है और असल में तो वो रीगल से नफरत करती है, तो सब खराब हो जाएगा। पर नीका का कहना था कि उन्हें एक दिन रीगल का सच पता चल जाएगा कि वो अशकों का कारीगर है, जो बोल के वो अपने रूम में आकर सोने के लिए लेट जाती है, पर ग्रेव के डरावने सपने उसे सोने नहीं देते, जहां सब बच्चों को अशकों के कारीगर से डरा के रखा गया था। उन्हें रोने की इजाजत नहीं थी और ये बताया गया था कि अगर उनकी आंख से एक आंसू भी गिरा तो वो उन्हें उठा के ले जाएगा। तभी एक बच्चा आके उन्हें बताता है कि रीगल की तबीयत फिर बिगड़ गई है। जब ये सब वहां जाके देखते हैं तो मार्गरेट उसे बड़े प्यार से दवाई दे रही थी, जिसके बाद नीका देखती है कि किसी ने उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया है, जिस पर उसकी आंख खुल जाती है। अगले दिन दोनों स्कूल पहुंचते हैं, जहां नीका रीगल को उससे दूर रहने का कह
कहती आगे बढ़ती है पर गाड़ी से टकराने लगती है, जिस पर रीगल उसे बचाता है। खैर दोनों आगे बढ़ते हैं तो हर लड़की की नजर सिर्फ रीगल थी, पर वो उन सबको इग्नोर करता वहाँ से निकल जाता है। निका को पहले ही दिन एक अच्छी दोस्त बिली मिल जाती है। क्लास में जाने से पहले रीगल लियो नामी हॉट लड़के की बात सुनता है, जो अपने दोस्त को बोल रहा था कि अगले हफ्ते तक निका उसके बेड पे होगी, जिस वजह से वो लियो से लड़ने लगता है, जिन्हें आकर टीचर रोकते हैं। रीगल का पहला दिन होने की वजह से टीचर उसे वार्निंग देता छोड़ देता है। घर आने पर रीगल अपने कमरे से निकलता ही नहीं, जिस पर परेशान एना निका से जाकर पूछती है, पर निका बात कवर कर लेती है। इसके बाद वो रीगल के पास जाके उसे यहाँ आने की वजह पूछती है, क्योंकि उस जैसे बच्चे को तो सब ही पसंद कर लेते थे, हर बार उसे कोई ना कोई अडॉप्शन के लिए सिलेक्ट करता था, पर रीगल खुद ही उनके साथ जाने से मना कर देता था। रीगल कोई जवाब नहीं देता तो निका उसे दवाई लगाने उसके करीब आती है, पर रीगल उसे करीब आने से मना करता है। जब निका उसकी बात नहीं सुनती तो रीगल कहता है कि अगर वो ऐसे ही उसके करीब रही तो अगली बार वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसके वहां से जाने के बाद निका सोचती है कि उसे फेरी टेल्स पर यकीन था और वो चाहती थी कि वो भी किसी फेरी टेल का हिस्सा बने। अब वो हिस्सा बन तो गई, पर गलत स्टोरी का। अगली सुबह एना निका को रीगल के कपड़े रूम में रखने भेजती है, जहां उसे रीगल नहीं मिलता तो वो ड्रॉर खोल के चेक करने लगती है, पर रीगल वहां आ जाता है। निका उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है, पर रीगल उसके दोगले पुने पे हंसने लगता है, क्योंकि निका उसे आंसू बुनने वाला राक्षस या एक भेड़िया समझती है। रीगल कहता है कि फेरी टेल्स के एंड पे एवर आफ्टर इसलिए लिखा जाता है ताकि हमें याद दिलाया जा सके कि कुछ चीजें कभी नहीं बदलती, पर निका के हिसाब से ये सब बदल गया था क्योंकि अब वो दोनों ग्रेव में नहीं थे। पर रीगल ऐसा नहीं समझता और उसे कहता है कि इस सब को हैप्पी एंडिंग समझ के वो ना भटके, क्योंकि भेड़िये या विलन के बगैर कोई फेरी टेल नहीं होती। नेक्स्ट सीन में लियो निका को अकेला देख उसे फ्लर्ट करने लग जाता है, पर रीगल उसे वॉन्ट करने के लिए वहीं पास में आकर खड़ा उसे घूरने लगता है। तभी बिली वहां आके निका को अपने साथ ले जाती है। स्कूल के बाद एना और नॉर्मन इन दोनों को शॉपिंग के लिए ले जाते हैं, जहां निका को एक खूबसूरत ड्रेस में देखकर रीगल देखता रह जाता है। जब वो उसकी नजरों से इरिटेट हुए चेंज करने जाती है तो रीगल पीछे आके बहुत सिडक्टिव वे में निका की जिप खोलता है, पर मुड़ने पर निका को वहां कोई नहीं मिलता। एना वहां आके निका को ड्रेस के ऊपर बेल्ट ट्राई करवाती है, पर बेल्ट की वजह से निका की तबीयत बिगड़ जाती है, क्योंकि उसे ग्रेव की वो बुरी यादें याद आने लगती हैं जब मार्गरेट उसे अंधेरी कालकोटरी में बांध दिया करती थी। उसे वहां मौजूद सब बच्चों की ख्वाहिशात और डर का पता था, इसलिए वो उनकी ख्वाहिशात को कुचलती, बस उनके अंदर डर डालती रहती थी। निका को उस कालकोटरी में लगता था कि उसका दम निकल जाएगा, पर तभी उस अंधेरे में कोई आकर उसका हाथ पकड़ लेता था, जिससे मिली होप से निका आज तक जिंदा थी। प्रेजेंट में निका को होश आता है तो वो सोचती है कि वो चाह के भी एना को अपने साथ हुए जुल्मों का नहीं बता सकी, पर अब उसे डरने की जरूरत नहीं क्योंकि वो अब आजाद और खुश है। जब वो एना के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि आज रोज डे है, इसलिए बच्चे अलग अलग कलर के रोज दे के अपने प्यार का इजहार करते हैं। जब वो स्कूल पहुंचती है तो बिली की दोस्त मिकी के लॉकर से एक रोज निकलता है, जो उसे हर साल एक साइकोलॉजी का स्टूडेंट देता है, पर मिकी उसे खास नहीं डालती। फिर बिली के लॉकर से भी एक व्हाइट रोज निकलता है, जो उसका सीक्रेट लवर हर साल वहां रखता है, पर बिली नहीं जानती वो कौन है। वहीं जब निका अपना लॉकर खोलती है तो अंदर ब्लैक रोज था, वो बहुत ही खूबसूरत और रेयर है। रोज देख निका समझ जाती है कि ये किसका काम है, इसलिए वो गुस्से में फौरन रीगल के पास घर पहुंचती है, जो उसे तंज करते हुए कहता है कि वो भेड़िये की गुफा में आकर बचने की उम्मीद कर रही है। निका उसे पूछती है क्या ये फूल उसने रखा, पर रीगल जवाब देने के बजाय उसे बेड पे लिटाता उसके ऊपर आके किस करने लगता है कि निका को एना की आवाज आ जाती है। नीचे जाने पर उसे पता चलता है कि वहां लियो आया है, जो उसे डेट पर ले जाना चाहता है, और निका मान जाती है, जिन्हें जाते ऊपर विंडो से रीगल देख रहा था। वहां पहुंच के लियो निका का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़ता, पर मौसम खराब होने की वजह से निका घर वापस जाने का कहती है, तो दोनों लियो की जैकेट से खुद को कवर करते तेज बारिश में घर पहुंचते हैं। लियो जाने से पहले निका को किस करने लगता है, पर निका उसे रोकती वहां से भेज देती है। अंदर आके वो रीगल को पियानो बजाती देख सोचती है कि वो चाह के भी उसके ऊपर से नजर नहीं हटा पाती, और सोचती है कि शायद रीगल के अंदर अच्छाई भी है, क्योंकि उसे दिल से महसूस होता है कि वो बुरा इंसान नहीं है। रीगल की तबीयत खराब होता देख निका उसके करीब जाती है, पर रीगल उससे बदतमीजी करते दूर होने का कहता है। निका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर रीगल हमेशा उसे खुद से दूर रहने का क्यों कहता है, पर रीगल उसे अवॉइड करता वहां से निकल जाता है। रात को निका डिनर करती सोच रही थी कि रीगल अशकों का कारीगर हो या ना हो, पर निका की धड़कनों पे जैसा असर उसने किया है और कोई नहीं कर सकता। तभी उसे लियो की वीडियो आती है, जिसमें वो जख्मी हालत में
था और वजह रीगल था। नीका गुस्से में रीगल के पास पहुंचती है जो खुद जख्मी बारिश में भीगा हुआ घर आया था। नीका उसे ऐसा करने की वजह पूछती है पर रीगल उसे दूर रहने का कहता है, जिस पर नीका अब गुस्से में आ जाती है और रीगल कहता है कि उसकी आंसुओं की वजह तो नीका है, जो कह के वो बेहोश हो जाता है। नीका उसे उठाकर बहुत मुश्किल से रूम में ले जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मौसम की खराबी की वजह से एना और नॉर्मन कहीं रास्ते में ही फंसे हुए थे। नीका रूम में जाके रीगल के गीले कपड़े उतारती है, तभी उसे एना की कॉल आने लगती है जो उसकी परेशान आवाज सुन के वजह पूछती है। तो नीका रीगल की खराब तबीयत का बता देती है पर उन्हें परेशान होने से मना करती जाकर रीगल को दवाई देती है, जिसके बाद उसके शरीर को प्यार से छूने लगती है। तभी रीगल होश में आके उसे खुद से दूर जाने से रोकने लगता है और उसे किस कर लेता है, जिसके बाद दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि रीगल भी मार्गरेट से नफरत करता है। उसने नीका का लॉकेट फेंकने के बजाय अपने पास छुपा लिया था। यही नहीं, जब नीका को रीगल से बात करने की वजह से मार्गरेट सजा देने ले जा रही थी तो उसे बचाने के लिए रीगल ने जान के अपना हाथ काट लिया ताकि मार्गरेट का सारा ध्यान अपनी तरफ कर सके। एड्रेलिन ने रीगल का नीका के लिए प्यार भांप लिया था पर रीगल ने उसे नीका को कुछ भी बताने से मना किया था क्योंकि उसे डर था कि नीका उस जैसे राक्षस को एक्सेप्ट नहीं करेगी और बस वो ही करता रहा जिससे नीका को उससे नफरत हो, पर नीका चाह के भी ऐसा नहीं कर सकी। प्रेजेंट में सुबह एना और नॉर्मन की गाड़ी की आवाज सुन के नीका अपने रूम में जाने लगती है पर रीगल उसे रोकते हुए वापस किस करने लगता है, जिस पर नीका भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती पर एना की आवाज आते ही खुद को काबू करती खड़ी हो जाती है। वो दोनों वहां पहुंच के नीका को रूम में भेज देते हैं जहां उसे लियो की कॉल आती है पर नीका कॉल नहीं उठाती, जिसके बाद वो और रीगल वापस स्ट्रेंजर्स की तरह एक्ट करने लगते हैं और नीका लियो को भी अवॉइड करती है। लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसका सहारा मिकी और बिली थे। स्कूल के बाद बिली और नीका मिकी के घर पहुंचते हैं जहां नीका को पता चलता है कि मिकी एक बिलीनियर है पर इस बात को राज रखती है। पढ़ते हुए बिली की आंख लग जाती है। तभी नीका वॉशरूम जाती है तो मिकी बिली के करीब जाती उसे किस करती है जो नीका देख लेती है। यहां मिकी रिवील करती है कि वो एक लेस्बियन है और बिली को बहुत पसंद करती है। वही हर साल उसके लॉकर में फूल भी रखती है पर बिली को सच बताने से डरती है क्योंकि वो अपनी इकलौती दोस्त को खोना नहीं चाहती, इसलिए नीका से भी रिक्वेस्ट करती है कि वो बिली को कुछ ना बताए। नेक्स्ट सीन में नीका मार्केट जाती है जहां लियो आके उसे अवॉइड करने की वजह पूछता है, जिस पर नीका उसे साफ साफ बोल देती है कि उसके दिल में लियो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। जो लियो से बर्दाश्त नहीं होता तो वो नीका को पुश करता है और उसके हाथ से शॉपर गिर जाता है जिसमें रीगल का बर्थडे गिफ्ट था जो शॉप में आखिरी पीस था, इसलिए नीका को बहुत बुरा लगता है। लियो उससे रीगल की इतनी परवाह करने की वजह पूछता है तो नीका कहती है कि शायद वो दोनों एक जैसे दर्द से गुजरे हैं इसलिए एक दूसरे को समझ सकते हैं। नीका जब घर पहुंचती है तो एना और नॉर्मन ने रीगल के लिए एक छोटा सा बर्थडे लंच रखा था जहां उसने एडलिन को भी इनवाइट किया था, जिसको देख नीका बहुत खुश हो जाती है। पर एना और नॉर्मन के मरे हुए बेटे की गर्लफ्रेंड को ये बात पसंद नहीं आती। वो हर्ट थी कि वो सब उसे भुला के आगे बढ़ रहे हैं जबकि वो अभी भी उसकी यादों में पागल हो रही है, इसलिए गुस्सा करती वहां से निकल जाती है। एडलिन नीका को कहती है कि उसे ये सारा फैमिली ड्रामा अवॉइड करते हुए सिर्फ अपने अडॉप्शन पे फोकस करना चाहिए ताकि उसे वो मिल सके जो वो हमेशा से चाहती थी। पर नीका डरी हुई थी कि एना और नॉर्मन को उसकी ग्रेव की जिंदगी का कुछ नहीं पता, जिसकी वजह से उसे आज भी सदमा है। एडलिन उसे कहती है कि पीटर भी इस सब की वजह से अडॉप्शन के बाद भी डिस्टर्ब है और वो सब चाहते हैं कि वो मिलके मार्गरेट के खिलाफ केस करें जिसमें उन्हें मीका का साथ चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा टॉर्चर तो उसी ने बर्दाश्त किया है। पर नीका उसे वापस फेस करने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए मना कर देती है। वहां से जाते हुए एडलिन रीगल से मिलती है और उसे कहती है कि वो नीका को अपनी फीलिंग्स बता दे और ये भी कि कालकोठरी में नीका का हाथ थामने वाला वो था, एडलिन नहीं। पर रीगल अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। रात नीका को रीगल के पियानो बजाने की आवाज आती है तो वो उसके पास चली जाती है जहां वो उसे बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे कुछ भी मांगने का कहती है। तो रीगल उसे वहीं उसके करीब बैठे रहने का कहते हुए नीका के बदन को प्यार से छूता उसके लिप्स पे लगे केक को लेक करने लगता है। तभी डोरबेल की आवाज सुन के नीका उसे वहीं वेट करने का कहती बाहर जाती है जहां लियो था, जो नीका से अपने प्यार का इजहार करते हुए उसे रिलेशन के लिए बेग करने लगता है। पर नीका के मना करने पर वो उसे याद करवाता है कि जिस रीगल के लिए वो उसे ठुकरा रही है वो जल्द उसका भाई बनने वाला है, तो फिर वो उससे ऐसा रिश्ता कैसे रख सकती है, जिसका नीका के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बस लियो को वहां से जाने का बोल देती है। जब नीका रीगल के पास पहुंचती है तो वो उसे कहता है कि वो उसकी परफेक्ट फेरी टेल का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे लियो को ही चुनना चाहिए। पर नीका अब रीगल को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहती थी,
जिस पर वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। निका रीगल से कहती है कि उसे सिर्फ उसका साथ चाहिए, जो सुन के रीगल रुकते हुए वहां से जाने का कहता है। उसका कहना था कि ग्रेव में टूट टूट के उन दोनों में ऐसी दरारें पड़ चुकी हैं जिन्हें कभी नहीं बढ़ा जा सकता, पर निका उसे अग्री नहीं करती और कहती है कि वो मिल के उन टुकड़ों को जोड़ते हुए बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। निका को अब कोई नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए थी, उसे बस वो जिंदगी चाहिए जिसमें रीगल उसके साथ हो। रीगल उसे अभी भी समझाने की कोशिश करता है कि उसके साथ वो सिर्फ तकलीफ पाएगी, पर अब जबकि निका अपनी फीलिंग समझ चुकी थी तो उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं थी, क्योंकि जो बचपन उन्होंने साथ गुजारा उसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे को वैसे समझ सकते थे जैसे शायद दुनिया में कोई ना समझ पाए। अगले दिन निका अपनी दोस्त की तरफ जाती है जहाँ से उसने स्कूल पार्टी में जाना था। पीछे से रीगल एना से कुछ बात करता है जो हमें नहीं बताई जाती। वहाँ निका पार्टी के लिए रेडी हो रही थी तो मिकी बिल्ली पे रिवील कर देती है कि वो उसे पसंद करती है, पर बिल्ली उसे समझने के बजाय नाराज हुई वहाँ से चली जाती है। पार्टी में लियो निका को सब भुला के एक नई शुरुआत करने का कहता है, जिस पर दोनों डांस करने लगते हैं। निका की शोर की वजह से तबीयत खराब होती देख लियो उसे क्लासरूम में ले जाता है, पर वहाँ उससे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। सीन्स रीगल पे शिफ्ट होते हैं जो अपना सामान लिए कहीं जा रहा था, पर फिर वापस मुड़ता स्कूल आ जाता है जहाँ निका को ना पाके उसे ढूंढने रूम में जाता है और लियो को रोकता मारते हुए वहाँ से निकाल देता है, जिसके बाद फाइनली दोनों एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों हाथ पकड़े आगे का सोचते हुए ब्रिज पे जा रहे थे कि पीछे से लियो गाड़ी में आ जाता है, जो उन्हें कहता है कि वो दोनों भाई बहन बनने वाले थे पर उन्होंने जो किया वो सही नहीं, इसलिए वो दुनिया को उनका सच बता देगा। इस डर की वजह से वो दोनों पानी में छलांग लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में निका को हॉस्पिटल में होश आता है और उसे याद आ जाता है कि काल कोठरी में उसका हाथ पकड़ने वाला रीगल था। एना उसे बताती है कि रीगल कोमा में है और वापस मार्गरेट कस्टडी में भी, क्योंकि उसने अडॉप्शन से मना कर दिया था। मार्गरेट निका को रीगल के पास जाने की इजाजत नहीं देती, जिस पर आखिर निका इस सब को खत्म करने के लिए मार्गरेट पे केस कर देती है। कोर्ट में पीटर डर के मारे अपना बयान वापस ले लेता है और इस वजह से मार्गरेट की लॉयर निका को बहुत टफ टाइम देती है, लेकिन अब उसके साथ प्यार करने वाले लोग थे इसलिए वो हिम्मत करते हुए कोर्ट में सारा सच बता देती है, जिसके बाद वो फौरन रीगल के पास जाती है जो होश में आ जाता है और यहाँ इन दोनों के प्यार की जीत हो जाती है। लास्ट सीन्स में हम इन दोनों को एक अडॉप्टेड बच्ची के साथ हैप्पी जिंदगी गुजारते देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी की भी यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।